Hey students, how are you all? So, आज आपके साथ बहुत एक सीरियस डिस्कशन मुझे करना है. मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए. मेरे बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा वो मेघालय, नागालैंड और इवन छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहाँ पर कि बच्चों को रॉन्ग पेपर मिला. रॉन्ग पेपर मतलब सारे बच्चों को एक अलग पेपर मिला हुआ है और उन्हें एक अलग सेट मिला हुआ है जो कि मतलब किसी से भी मैच नहीं करता है. तो उनका मुझे मैसेज आया कि मैम हमारा पेपर तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी सेट से मैच नहीं कर रहा है. तो मतलब एनटीए ने ऐसा क्यों किया कुछ सेंटर्स पर और बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो मतलब उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए कि व्हाई एग्जैक्टली इट हैपेंड. दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मेरे खुद के एक बच्चे का मैसेज आया, उसका 1.5 घंटा वेस्ट हुआ, उसको रॉन्ग पेपर रॉन्ग लैंग्वेज में मिला. सो ये तो बहुत ही गलत बात है, राइट? सो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर रहा है? और मतलब यहाँ पे बहुत सारे, ये एक सेंटर की बात कर रही है कि एक सेंटर में गलत लैंग्वेज में पेपर मिला था, बट ये बहुत सारे सेंटर का केसेस है. और एक इस सेंटर में तो चलो ये एक्नॉलेज करते हैं कि बच्चे फोर्सफुली राजस्थान में किसी सेंटर पे ऐसा हुआ कि उनको दूसरी लैंग्वेज का पेपर मिला, राइट? उन बच्चों ने मतलब बाहर फोर्सफुली निकल गए कि मतलब उस चीज़ के लिए गुस्सा होके कि मतलब ये सब क्यों हुआ हमारे साथ. तो उन बच्चों ने, और उस टाइम पर 4 PM पे पेपर भी लीक हुआ. लीक मतलब उस टाइम पर तो सारे बच्चे एग्जाम दे रहे थे, तो हम लीक, वो एनटीए कह रही वो लीक भी कुछ नहीं था, राइट? बट फिर भी वो अलाउ क्यों किया गया? उनके पास मोबाइल फोन है एंड उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने उन बच्चों का दोबारा री एग्जाम करवाया था. तो अब तो ऐसे में बच्चों को पेपर मिल गया, वो ChatGPT से भी चीटिंग कर सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो पहले तो ऐसा अलाउ हुआ ही क्यों, मतलब वो मोबाइल फोन कैसे यूज कर सकते थे? उसके बाद उन्होंने उनका री एग्जाम कराया. दूसरे बच्चों का क्या? मेरे एक बच्चे का फोन आया कि मतलब उसने 1.5 घंटे का पेपर, मतलब उनका वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ और उनको सिर्फ 1 घंटा मिला. आप सोचो उस बच्चे का मेंटल पीस, सोचो उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड, जो आता था वो भी नहीं कर पाया वो बच्चा. तो अब इन जो बच्चे इतना हार्डवर्क कर रहे हैं उनके साथ ऐसा क्यों? और न्यूज़ में ऐसा है कि कुछ लोग जो है अरेस्ट हुए क्योंकि वो किसी और के बिहाफ पर एग्जाम दे रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा दिया था किसी रिच पीपल ने. तो मतलब कुछ अरेस्ट हुए हैं और कुछ का हमें केस नहीं पता है. तो ऐसे कितने सारे केसेस होंगे. और ये तो मतलब साफ सीधी बात है कि हमारे जो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास बच्चे हैं उनके साथ ही बुरा हो रहा है. तो किड्स, यू टेल मी कि अब यहाँ पे इस एनटीएस को एक्नॉलेज नहीं कर रही. एनटी कह रही कि कुछ भी नहीं हुआ था, हमने री एग्जाम कराया था, सब अंडर कंट्रोल था, बट बहुत सारे सेंटर्स पर ये सारे इश्यूज हुए हैं. नाउ यू जस्ट टेल मी कि व्हाट शुड बी डन. री एग्जाम होना चाहिए और री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं है. वी शुड ऑलवेज, हमारी मतलब इन इतनी बड़ी बॉडीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि इतने प्यारे, इतने मतलब बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, क्या उनके साथ तो ये पूरी मॉकरी चल रही है, राइट? उनके साथ तो ये मजाक बन रहा है. तो नाउ यू जस्ट कॉमेंट डाउन और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने ये इशूज फेस करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फेस करे, राइट? एंड एनटीए शुड एक्नॉलेज एंड शुड टेक द वाइज डिसीजन फॉर दोज किड्स. व्हाट यू से किड्स, जस्ट राइट डाउन योर सजेशन. थैंक यू. एंड आई बी मेकिंग वीडियोज, यू जस्ट राइट डाउन योर सजेशन. आई वॉन्ट कि आप लोग कुछ बोलो, राइट? और इसको मतलब उन बच्चों के साथ शेयर करो जिनके साथ ऐसा हुआ है. और मतलब ये ऑफिशियल तक पहुंचना भी चाहिए कि मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, जो भी इतनी सारी चीज़ें केसेस निकल कर आ रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स?